ऊपर वाले की मेहरबानी से और आपकी दुआओं से मेरा बुखार उतर चुका है। तो डेली व्लॉगिंग की सीरीज़ में एक और व्लॉग आ रहा है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो यार, बुखार मेरा एकदम उतर चुका है, अब मैं जो है अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आज जो ब्लॉग आना था ना, वो ब्लॉग भी इस वजह से नहीं आ सका। मैंने थोड़ा सा शूट वूट किया था तो मगर बुखार की वजह से कहीं बाहर निकला नहीं, तो फिर मैंने उसको एडिट भी नहीं किया, अपलोड भी नहीं किया। यार ऐसा क्या, वही डेली का सेम सेम अपलोड करूँगा तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो कुछ अलग होना चाहिए। तो अभी जो है मैं दिन का स्टार्ट जैसे अपने अच्छे काम से करता हूँ वो मैं करूँगा। तो यार मैं बहुत लेट उठा हूँ, तो कबूतर आके बैठ रहे हैं दरवाजे आँख के मुझे, तो वो सोच रहे थे यार आज पता नहीं भाई को क्या हुआ, इसने डाला नहीं कुछ, तो पहले तो ये काम करते हैं। तो मैं जब सोया हुआ था ना, मैं एक दो बार बीच में उठा हूँ तो मुझे दिखाया गया यार ये लोग वेट कर रहे हैं कि ये भाई क्यों नहीं डालता आज दाना शाना। तो पाँच चावल मैंने डाल दिए फैला के चारों तरफ, क्योंकि फिर ज़्यादा होते हैं ना तो फिर लड़ते हैं आपस में, तो पानी भी डाल दिया। तो आ जाओ भाई लोग, और यार धूप बहुत कड़क है आज भी, तो होप ज़्यादा लगेगी नहीं क्योंकि अभी बाहर निकलूँगा मैं जरूर हुई आज, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए यार व्लॉग में डेली डेली सेम सेम। तो यार अभी फटाफट से नहाता हूँ ठीक है, और ब्रश व्रश करूँगा, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता क्या करना, मैंने ब्रेड ही खानी है, ब्रेड पड़ी हुई वरना ज़ाया हो जाएगी वरना वो, तो ब्रेड खाते हैं नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलते हैं रोई के लिए। तो टाइम वैसे भी 4:30 हो ही जाने मुझे तैयार शायर ये वो करते करते, तो निकलते हैं रोई के लिए, तो फिर वहाँ से कहीं ना कहीं निकलेंगे, तो अभी देखते हैं क्या सीन है। तो यार हमेशा की तरह मैं व्लॉग और शीशा ना मैं आपको दिखाऊँ, शीशा आज भी गंदा है ठीक है, इसको साफ़ करूँगा मैं, करना ही करना है, फिर मैंने रुई निकल जाना, रुई में एक दो दिन तो रहूँगा, ये साफ़ है, शीशा साफ़ करना है बस। दोस्त बेचारे कब से मेरा वेट कर रहे थे और मैं इधर सोया हुआ था, और अब देखो कितनी खुशी से खा रहे हैं, लव यू मेरे भाइयों, लव यू। तो यार आपके भाई ने जो है ना नहाना धोना कर लिया ठीक है, फुल फ्रेश हो गया, चेंज कर लिया, अब खाएंगे ब्रेड और साथ में पियेंगे रानी नानी जूस, तो नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद सोच रहा हूँ चाय भी पियेंगे, आज चाय नहीं पिया दो दिन से ना बुखार की वजह से, तो जाना नहीं होता, दिल नहीं करता था नीचे जाने का, तो चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं रुई के लिए। असल में रुई नहीं जाना, मुझे रुई जाना है, मगर रुई जाना इसलिए कहीं और जाने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज कुछ अतरंगी करते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं, कुछ घूमते फिरते हैं यार, मतलब घर पे रह रहे के बस हो गई है, तो निकलते हैं। तो यार नाश्ता वाश्ता करने के बाद और सब काम समेटने के बाद आपका भाई जो है ना तैयार शुरू हो। तो यार अभी बज रहे हैं कोई 4:30 और अभी भी धूप है बाहर कड़क, तो यहाँ पर भाई मौसम का यही हाल है। तो अभी पहले जाऊँगा रुई, रुई से जाएंगे, शायद रुई से जाऊँ पहले मैं दोस्तों के पास, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, इससे बेटर है कि मैं रुई से ही जो है ना सीधा जाता हूँ जहाँ पर मुझे जाना है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, तो मिलते हैं अब टैक्सी में। तो यार जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि मैं अभी जो है ना, ये देख रहे हो धूप, चेक करो यार, मतलब कि अभी 4:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये है ना गर्मी वाला काम है बहुत ख़तरनाक है। तो अभी मैं मतलब रेडी शेडी होके ये बैग पैक भी लिया हुआ है, बैग पता क्या है इसके अंदर बिस्तर है मेरा, तो जहाँ मैं जाता हूँ ना दोस्तों के पास रहने रहता हूँ फ्री में, तो मैं अपनी चीज़ें ही लेके जाता हूँ साथ में यूज़ करता हूँ। तो बाकी पहले मैं जाऊँगा थोड़ा सा आउटिंग में निकलेंगे, बैग साथ ले लेंगे, कोई इशू नहीं है यार चल लेंगे, और क्योंकि अगर मैं ये छोड़ने गया रूम में फिर वापस आऊँगा फिर बस या टैक्सी पकड़ के वहाँ जाऊँगा वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, रात हो जाएगी वरना, तो बेटर यही है कि हम सीधा वहाँ निकलें फिर वहाँ से वापस रुई आएँ। यार यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, देख रहे हो ग्रीनरी का कितना ख्याल करते हैं, यहाँ पानी दिया जाता है दिन में 2 बार, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, कितना प्यारा सिस्टम है। अबे यही हमारे पाकिस्तान में हो ना, कराची में हो तो हमारा कराची भी इतना खूबसूरत दिखे। तो यार मैं रुई आ चुका हूँ, ये पीछे मेरे साइड पे ना वो है निस्तो, और ये रुई का बस स्टॉप है जहाँ से मुझे बस लेनी है, और यहाँ से जाऊँगा मैं मथुरा। तो कुछ लोग जो पहले से मेरे ब्लॉग में उनको मथुरा का पता है, तो मैं बस लेता हूँ यहाँ फटाफट से, वरना बस जो है भाग जाएगी। सैड लाइफ।
तो बस जो है ना निकल गई। मैं जैसे इधर आया हूँ ना तो इधर बस खड़ी हुई थी, और अच्छा और कोई नहीं गई है, जिस पे मुझे बैठा ना वही वाली बस गई है। तो अभी दूसरी बस का वेट करेंगे, अगर वो बस आ भी गई ना वो भी कम से कम 10 से 12 मिनट लेती है, तो मेरे लग गए। तो यार बस पे आने के बाद ना वो बस मिली थी, बहुत मुश्किल से मिली थी, जैसे कैसे मिली थी। तो यहाँ पे मुझे इंडियन भाई भी एक मिला, ठीक है, तो भाई इंडिया से, तो ये बस में मुझे मिला था। और ये भाई इधर में ना विजिट पे आए हुए हैं, तो भाई विजिट पे आ जाए तो मैंने हेल्प कर दी, मैंने बोला चलाओ तुम मथुरा जा रहे हो, बोलते हैं मैं मथुरा जा रहा हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया तो वो भी यहीं आ रहे थे। तो ये पीछे पूरा जो है ना ये सुल्तान काबूस की शिप्स हैं, ठीक है। तो यार पहले भी आप लोग को मैंने दिखाया, तो मैं ऐसे बस इधर आया था, थोड़ा सा मैंने बोला कुछ नया होना चाहिए, यहाँ पे लोग जॉगिंग वॉगिंग भी कर रहे हैं और हम थोड़ी तफरी कर रहे हैं। और मज़े की बात है अकेला ही यार, कोई साथ होना चाहिए, कोई तो साथ होना चाहिए, और हो भी बाबू हो ना साथ में तो फिर और मज़ा आता है, ऐसे इतने सुहाने रोमांटिक मौसम में ओए चस आ जाती है। तो बाकी देखते हैं यार, ये भाई मुझे बोल रहा है इस फोर्ट पे चलते हैं, इधर मैं पहले भी गया हूँ, तो पहले जब मैं गया था ना तो वो फ्री था सब कुछ, ठीक है, जब ये लोग ना कुछ लेते नहीं थे, चार्ज नहीं करते थे। अब 2 रियाल चार्ज करते हो, उसको चढ़ना सबसे बड़ी बात होती है, ऐसे ऊपर जाना सीढ़ियों से बंदा थक जाए। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, थोड़ा घूमता हूँ फिरता हूँ, आपको कुछ खाते भी थे तो आपको भी दिखाता हूँ, आपको भी साथ इंजॉय करता हूँ। तो इधर भाई जो है ना देखो मछलियों को दाना दे रहा है, गुड गुड भाई। यार इस फोर्ट पे मैं पहले भी गया हूँ, ठीक है, तो ये पूरा पीछे फोर्ट है, ठीक है, इस पर पहले भी मैं गया हूँ, इस पर ब्लॉग भी है मेरा बना हुआ एक। तो ये बोल रहे हैं कि इधर जाने का ना, उस टाइम पे टिकट नहीं थी, बोल रहे इधर जाने का 2 रियाल लगेगा, 2 रियाल, ओ माय गुडनेस, इट्स बेटर कि मैं इससे अच्छा कुछ अच्छा सा खाना खा लूँगा इधर 2 रियाल स्पेंड करने से अच्छा। तो पहले से देखा हुआ है, आपको मैं ब्लॉग यहाँ पर ना कार्ड में ऊपर पिन कर दूँगा, आप वहाँ से देख लेना इसको, तो उसको फ्री में देखना, इधर पैसे लगा के देखना पड़ेगा। तो बाकी देखते हैं अभी कुछ खाने पीने का भी सिस्टम करते हैं, भाई भी साथ साथ घूम रहा है मेरा, तो इनको भी कुछ खिलाते हैं। तो बाकी देखो अभी क्या सीन है। तो यार हम कैफे भी आए थे, तो मैंने सोचा यार घूम फिर के थोड़ा सा भूख लग गई है, तो भाई को भी मैं लेके आया, तो मैंने गोलगप्पे ऑर्डर किए हैं, तो बस ठीक है यार कुछ खास इतने है नहीं है, तो यार कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए इधर आ गया। अभी रोई वापस जाएंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छे से तरीके से खाएंगे, और फिर अपना एक पाकिस्तानी होटल है वहाँ पर। तो भाई इधर बैठे, भाई का बर्गर है, तो भाई का बर्गर अभी तक आया नहीं है, तो गोलगप्पे खाते हैं। यार ये देखो इसका रात का सीन तो अलग ही होता है, फुल VIP। तो इधर मैं गया था, मैं क्यों गया था कि इधर ये गोलगप्पे की थाली मिलती है ना, उसमें गोलगप्पे, भेलपूरी, चना चाट, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं। मुझे यहाँ पे लेके आया था मोइस भाई, तो मोइस भाई मेरे ब्लॉग में पहले भी आ चुके हैं, पाकिस्तानी वाला भाई, ये कराची का ही है वो, तो वो आजकल ओमान में नहीं है, तो हो सकता है वो ब्लॉग पे कमेंट भी करे। तो बाकी वो लेके आया था, तो मैं वही खाने आया था, मैंने बोला भाई को भी कुछ चेक कराते हैं अलग सा। तो बाकी अभी देखो वापस जाएंगे तो मैं रुई जाऊँगा दोस्त के रूम में, वहीं रहेंगे अब, और कल में भी कुछ ना कुछ आउटिंग करनी है, परसों में भी, अब ये 2-4 दिन आउटिंग वाले ब्लॉग आएंगे, तो फुल मस्त मज़ा आने वाला है। तो ये इनका जो है ना मथुरा का बाज़ार है, यहाँ पे आपको गोरे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो यार अभी जो है ना हमने इन्जॉय कर लिया, पीछे बस आ गई है, तो अभी बस में बैठेंगे और घर पे वापस जाएंगे रोई में। तो ये है हमारी बस, तो फटाफट बस में बैठते हैं, भाई भी इधर ही है, भाई को अलखोड़ जाना है यहाँ से। उस बॉय को मैंने जो है ना पीछे छोड़ दिया बस स्टॉप पे, तो वो अलखोड़ जाएगा और मैं जा रहा हूँ रुई। तो मुझे बोलता है यार तूने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया, मैंने बोला सही बात है यार, इंडिया वालों से मोहब्बत है भाई, आप लोग हमारे इंडिया वालों से वैसे मेरी बड़ी स्पेशल मोहब्बत है ना, एक तो शोआ है मेरी बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज बेस्टी, और एक और वजह। तो बाकी यह है कि अभी रुई जा रहा हूँ, दोस्तों के पास जा रहा हूँ, जहाँ पर पहले मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, आपको रेस्टोरेंट भी दिखाऊंगा, आप दोनों देखा भैया, वहाँ से खाना वाना भी खाएंगे, मैंने बाहर से खाना छोड़ के ये डिसाइड किया वहाँ जाके खाते हैं, पैसे लगेंगे बाहर में तो अभी वहीं पहुँच के बात करता हूँ आपसे।
तो यार रात को जो है ना, मतलब सारा कुछ आगे पीछे हो गया था और दोस्तों में आए हुए थे तो व्लॉगिंग करना भूल गया मैं। तो यार आज का व्लॉग इतना ही था, होप आप लोग को मज़ा आया होगा। तो मैंने सोचा था कुछ कुछ करने का, बाहर निकलने का, कुछ नया करने का, इसलिए मैंने ये सब मेरा कोशिश की कि यार मैं थोड़ा बाहर घूमूँ और दोस्तों में जाऊँ ये सब। तो बाकी किसी अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आ जाएगा हम लोग, सुबह हो गई, अब बनाते हैं, निकलते हैं कहीं पर। कैमरा बंद कर दे।